और अब बात करते हैं एक और चुनावी राज्य झारखंड की, जहां यूसीसी को लेकर सियासत गर्म है। झारखंड में यूसीसी पर सियासी आरपार, कांग्रेस ने यूसीसी का विरोध किया है। यूसीसी केंद्र का कानून है, कांग्रेस ने कहा है बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी ने किया यूसीसी लागू करने का ऐलान। और झारखंड में यूसीसी लागू करने की अमित शाह के ऐलान के बाद से ही प्रदेश में, राज्य में सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने कहा है, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड में हर हाल में यूसीसी लागू होकर रहेगा। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये झारखंड का चुनाव है, इनके पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है। आप अपने कहीं पर भी नहीं लागू किए, केंद्र सरकार का काम है। 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आपकी सरकार, ये तो झारखंड में कोई उससे मतलब ही नहीं है। तो देखिए इन लोगों के झूठों की जो, देखिए जमशेद झारखंड के जनता को ये लोग इतने मूर्ख मत समझिए। ये जो बोल रहे हैं वो कानून केंद्र का है, केंद्र में पारित होता है। 10 साल से तो कुछ किए नहीं, अचानक जो झारखंड में ला रहे हैं, टाइम पास है। क्योंकि ये लोग, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। उदाहरण उत्तराखंड का दे रहे हैं, उत्तराखंड वही मैं बोल रहा ना, उत्तराखंड में भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि इट इज, क्योंकि सिंपल है यार, इट इज अ सेंट्रल लॉ, इट कम्स अंडर द सेंट्रल लिस्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है। झारखंड में यूसीसी लागू होना चाहिए। अब ये तो सरकार अपना घोषणा करती है, उनको अगर वो 370 हटाए तो उसका कितना फायदा हुआ नुकसान हुआ ये तो वही लोग तय कर सकते हैं। हम तो सरकार में नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर सरकार को ये करना है तो रोको उनको कौन रहा है, लेकिन केवल बोलने से और लोगों में सेंटिमेंट पैदा करके वोट लेने का काम नहीं होना चाहिए। और वही 2 दिन पहले झारखंड में घोषणा पत्र जारी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने यूसीसी को लेकर क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे।